गाइज अभी अभी हम लोगों का हुआ है क्लास खत्म और पीछे में देख सकते हैं इधर है ऑक्सीजन पार्क, जहाँ पे अगर आप लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी, ऑक्सीजन लेने में आप सभी को दिक्कत हो रहा होगा, तो आप लोग आ सकते हैं लेकिन अपना अपना ऑक्सीजन यंत्र लेके आएंगे। और गाइज आज जो है ना, आज है मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे, जो की छोटी मोटी और क्यूट सी है फ्रेंड। वो अजीत की भतीजी है, जो की मेरे को प्यार से ना फ्रेंड बोल के बुलाती है, ठीक है हमेशा। और गाइज आज का ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि आज आप लोग के चहेते हम अजीत का घर जा रहे हैं। आप लोग बहुत बोल रहे थे, सारे कोई कमेंट कर रहे थे, दीदी उसके साथ ऐसा प्रैंक क्यों किए, इमोशनल हो गया, कितना सह लिया, हम रहते तो नहीं सह पाते, मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि अजीत भैया ब्लॉग में नहीं रहेंगे तो हम लोग ब्लॉग भी नहीं देखेंगे। सो आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो बस एक नॉर्मल सा प्रैंक था, ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि हम अजीत से अपना दोस्ती खत्म कर रहे हैं। गाइस ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा। जो कि हमारे साथ हमेशा जिंदगी भर रहा है। और अभी चलिए प्रैंक के बाद आज हम अजीत से मिलेंगे, सो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, वो गुस्सा है या फिर पता नहीं वो, क्योंकि ना प्रैंक के एंड में थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, इमोशनल हो गया था। सो मिलते हैं आज, आप सभी को भी मिलाते हैं अजीत से, आप लोग देख लीजिए, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा गाइस, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि अजीत के बिना हम लोग ब्लॉग नहीं देखेंगे, ब्लॉग नहीं देखेंगे, ब्लॉग नहीं देखेंगे। सो चलिए अभी छोटी के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेते हैं, पहले गिफ्ट शॉप पे चलते हैं। गाइस इसको देख रहे हो, ये लड़का ना कभी भी सीट खाली होने के बावजूद भी मेरे बगल पे नहीं बैठता था, और आज देख रहे हो तीन चार लेडीज के बीच ही बैठ गए, और ये ना बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो रहा था, और हमको ये सोच के हंसी आ रहा था कि ये कैसे कैसे बैठ गया और कैसे ये झेल रहा है। अभी अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। कैसा लगा था बीच में बैठ गया? ये कभी नहीं बैठता, खाली सीट भी रहता है ना मेरे साथ में, नहीं बैठेगा हमेशा आगे का फ्रंट में बैठता जाके। और आज देख रहे क्या हो गया। और इधर हम लोग अभी शॉप आ गए हैं, इधर बढ़िया बढ़िया ड्रेस हम लोग को दिख रहा था, देखते हैं कुछ छोटी के लिए कुछ पसंद आता है तो। इसे थोड़ा बड़ा साइज में दिखाएगा। सो देखिए अभी हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन मिले हैं, और अभी मेरे को ये वाला रेड वाला फ्रॉक बहुत ज्यादा पसंद आया गाइस, इसका स्लीव्स देखिए बहुत सुंदर है। तो ये रहा देखिए फुल फ्रॉक, बहुत प्यारा लग रहा है, मेरे को सबसे ज्यादा पसंद ना इसका स्लीव्स आया। दीदी ये पैक कर। गाइस अभी छोटी के लिए कपड़ा हो चुका है, बहुत अच्छा मेरे को ये ड्रेस लगा, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और इधर हम और सौरभ घर के लिए निकल रहे हैं, इधर ये साइकिल लेके आता आधी रास्ते से। ताला बंद करके जाते हो? वाह, इसका घर थोड़ा दूर है ना, इस वजह से ये रोड तक साइकिल से आता है। ठीक है अच्छे जाना ना, हम भी ऑटो बैठते हैं, हम भी निकलते हैं घर, क्योंकि फिर से घर से फ्रेश होके चलना है अजीत के घर पे। हाय, पुची से मिली है, अकेले बैडमिंटन खेल रही है। देखिए पुचकी को हैप्पी बर्थडे श्रेया, थैंक्स, लव यू मम्मी। चलो ड्रेस दिखाएंगे, देखा देखा देखा, रेड रेड फ्रॉक ले दिया, फ्रॉक वो पहनती नहीं है श्रेया ना, इसलिए बर्थडे पे फ्रॉक ले दिया। मस्त है ये हमको बड़ा। इतना बड़ा बड़ा लॉन्ग फ्रॉक है ना, इसलिए लॉन्ग फ्रॉक है तो क्या बन जाए, लॉन्ग फ्रॉक है ना इसलिए बड़ा है। अभी हम रेडी होते हैं अजीत जल्दी से लेने के लिए आ रहा होगा गाइस। अभी हम तो रेडी हो चुके हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस हम कपड़ा वगैरह सब चेंज कर लिए और बाल वगैरह सब नहीं झाड़ी, क्योंकि रात हो गया ना तो इतना मन भी नहीं कर रहा है अब। और अभी बाहर में ना अजीत आया हुआ है गाइस, देखते हैं प्रैंक का गुस्सा अभी तक है या फिर थोड़ा ठंडा हुआ। कौन आया मम्मी? असम वाला, असम वाला, असम वाला का हस्बैंड आया इधर। आए मम्मी पुता खोज दिया है असम में। वाह वाह, चाय पिलाएंगे वहां से। अच्छा देखिए इधर मम्मी सब धान डबका रही है, और इधर कैसा लगा था प्रैंक मेरे ऑडियंस को बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। मस्त था, शकल देखने लायक था गाइस इसका, ये क्या बोले इसको समझ ही नहीं आ रही, इसलिए हंस के पार हो जा रहा था क्या, है ना? कैसा लगा? दांत दिखा, दांत दिखा। देखिए
देख लेना, ये गुस्सा नहीं है, ये बस प्रैंक था। आप लोग कुछ ज्यादा ये फिर से बनाओ। कुछ नहीं बनाएंगे। तो भाई चलिए अभी चलते हैं इधर, गिफ्ट पैकिंग भी नहीं करवा दिया, ऐसे बोल रहे ऐसे लेके चलो, ऐसे अभी चलना पड़ेगा। अरे बंद मत करना, काली रख रहे हैं। देखो 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 कितना ज्यादा। चलिए गाइस निकलते फटाफट से, खराब हो जाएगा मेरा लाइट, समझा? मम्मी बाय। गिर रहा लो, पकड़ो तुम्हें को पकड़ना गाड़ी चलाना। क्या चीज? अच्छे से जाएंगे, अच्छे से जाएंगे। गाड़ी कहाँ? ये वाला तुम जिसमें जाओगे उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है जाओ। वॉचमैन बुला दिया गाइस। तुम वॉचमैन समझो मेरे को, दरवाजा खोले हो तो वॉचमैन समझे हो। पीछे तरफ लगा दे, चलो नाचो। अच्छी लग रही है, देखो कैसा लगा गाइस बताइएगा। तुमको अच्छा? लाल परी, लाल परी दिखा। अरे वाह, चलो फोटो खींचते हैं। ऐसा दिख रहे हैं श्रेया, रेड कलर में अच्छी लग रही है श्रेया। बोलो व्हाट्सएप, अच्छी लग रही है। हां ले दी दोस्त, ला दी कौन ले दी? फ्रेंड, फ्रेंड पहचानी नहीं फ्रेंड। ये क्या मेरा ड्रेस है? तेरा सा होगा थोड़ा तो बच्चा है जी। अनलिमिटेड मिलता है एक बार का। तो गाइस अभी होने वाला है यहाँ धमादा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ नहीं, तो गाइस अभी हम लोग कंपटीशन करने वाले, कौन जीतेगा देखते हैं। ये लो 1 2 3 4 5 बैलून गुलाब कंपटीशन। तेरे पास कितने? मेरे पास भी 5 है। चलो रेडी, चलो 3 2 1 आइए देखते हैं। चीटिंग करके जीतने को चीटिंग खोर बोलते हैं। क्या प्रूफ है? क्या वो तो दिखेगा वीडियो में, दिखेगा। बाबू कहाँ बच के जाएगी? इसको लेके चलते बाहर, बाहर और बहुत सारा। हेलो हेलो, हाय श्रेया,
कितने सुंदर दिख रही है, मेकअप खराब हो जाएगा। देखो गाइस डेकोरेशन भी बहुत सुंदर लग रहा है, ये हम किए हैं, पीछे भी फेंक देगी मतलब हमने किया। देखिए भाभी क्या लेके आई है, खीर। खीर ऐसे भूख लगा था। इसके लिए भी है, देखो हम आए ना इसलिए तुमको मिल रहा है, ये थोड़ी देंगे। फिर तो मिल गया, अब ये क्या है, क्या है, नाम नहीं पता, नाम ही नहीं पता, क्या है भाभी, ये बर्फी, बर्फी ये क्या कोरमा या फोरमा, नाम किसी को नहीं पता।